लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि कैसे अगर अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स होते हैं तो उन्हें ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं उसमें। इफ़ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब वो इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास सपोज हम लोग ये वाला लेते हैं एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे ए बी को मैंने ये ले ली और सॉरी सी बी सी को मैंने ये ले ली और ए सी को मैंने ये ले ली, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो थर्ड साइड होगा मेरा ट्रायंगल का, उसे ऐसे फाइंड कर सकती हूँ मैं। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, अभी ए तीनों को मैंने नाम दे दी ए बी और सी, सी अपना जहाँ पर रिजल्टेंट है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब अगर दो वेक्टर को मैं आपस में प्लस करूँ तो उसका आंसर, और उन लोग को जगल करके उल्टा पुल्टा करूँ तो भी उसका आंसर दोनों सेम आएगा। जैसे सपोज पी का है टू बार, पी का समझो वैल्यू है टू बार और क्यू का है फोर बार, तो भी सिक्स आएगा। और अगर मैं लिखूँगी फोर प्लस टू तो भी सिक्स आएगा। वो ये समझाना चाह रहा है, जैसे हम लोग पहले ट्रायंगल्स वगैरह में प्रॉपर्टी लगाते थे ना, वैसे सेम वैसे ही सेम यहाँ पर क्या दिया है, दिस इक्वेशन 2.6 शोज एडिशन ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इन टू डिफरेंट वेज ट्राइंगल ओ ए बी। तो उसने उसको नाम दिया है। अभी यहाँ पर क्या किया है, दो ट्राइंगल को जोड़ा है यहाँ पर उसने, और बीच में ओ बी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। हो सकता है कि मेरे पास ज़्यादा वेक्टर होंगे, दो के जगह पे चार होंगे, या फिर मैं दो ट्राइंगल को जोड़ के उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसे ऐसे लिख सकती हूँ, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर, आर का मतलब मैं ओ बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देख सकते हो तुम लोग स्ट्रेच के ओ बी है यहाँ पर। वाइल ट्राइंगल ओ सी बी, वैसे ही ओ सी बी जो है उसमें भी वैसे रहेगा, ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ओ बी, और ओ बी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ आर। हैंस प्रूव्ड है कि पी प्लस क्यू, दोनों का उल्टा साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। हैंस प्रूफ के ट्राइंगल लॉ कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब जैसे तीन वैल्यूज़ है मेरे पास, ए बी सी है समझो, तीन वेक्टर है मेरे पास, तो अगर ए प्लस बी को एक साथ मैं प्लस करूँ फिर प्लस सी को अलग से प्लस करूँ उन लोग के आंसर से, वो आंसर और ए को अलग रख के बी और सी को प्लस करूँ फिर बी और सी के आंसर को ए से प्लस करूँ वो आंसर, दोनों भी इक्वल आएगा। ए बी सी आर इन टू डिफरेंट वेज टू गिव रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें दोनों जगह पे मिल गया, तो दिस प्रूव के ये जो है आर आर दोनों में आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस उन लोग का राइट हैंड साइड एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी बी, तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसने लगाया है। तो मैं कैसे, पहले उसने किया है ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, और फिर इसको अपने को एक्सप्रेस करना है ना, तो इसको लेफ्ट में अकेला रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए सी चाहिए, तो ए सी को रख दिया और ये सी बी को हमने वहाँ भेज दिया, तो सी बी जो प्लस था वो हो गया माइनस, और हमें ये मिल गया है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी बी। सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर वेक्टर, यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर है, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर, चार वेक्टर है। अब ये वेक्टर, ये ट्रपेजियम का जो हमारे पास वेक्टर एडिशन तो रहने से रहा, तो लेकिन हमारे पास ट्राइंगल और रेक्टेंगल वाला जो है, तो हम लोग बीच में से एक लाइन बना देंगे और उसको देंगे नाम ए ओ बी, और यहाँ पर ओ बी में क्या आ रहा है, इसको पहले तो नाम देंगे ए वन प्लस ए टू जो हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे करा है उसने,
ए बी, ओ बी हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, तो यानी कि ओ बी हमारा कैसे बना है, ओ ए प्लस ए बी, यानी कि ए वन प्लस ए टू, उसको लिया है। अब हम लोग और एक लाइन बना रहे हैं यहाँ तक, ताकि हमारे पास और एक ट्राइंगल बन जाए। तीन ट्राइंगल बन गए, तो तीनों ट्राइंगल को हम लोग ऐड आसानी से कर सकते हैं। अब ये बना दिया ओ सी, तो उसका कैसा है, उसके अंदर आता है पहले बात तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वन प्लस ए टू, और ये दोनों चीज़ आ गई ना, ए वन प्लस ए टू और प्लस ए थ्री नया आया है, तो उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा। अब ओ डी, ओ डी जो है ओ डी बच गया, तो ओ डी में बस ए फाइव बच गया, तो तीनों में ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री में ए फोर ऐड कर दो, तो हैंस प्रूव्ड के ओ डी इज़ द रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ फोर वैक्टर्स ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर।